मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ठंड को लेकर अधिकारियों को गंभीरता बरतने के कड़े निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि अगर ठंड की वजह से किसी की भी जान जाती है, किसी की भी मौत होती है, तो फिर अधिकारियों की खैर नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ठंड और शीतलहर में भोजन, वस्त्र, आश्रय और इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। ठंड में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए अलाव की व्यवस्था, कंबल बांटने और रैन बसेरे संचालित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। और कहा है कि राहत कार्य में अगर कोई शिथिलता बरतता है, अगर कहीं वो लापरवाही पाते हैं, तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अलाव और रैन बसेरों को दी जाने वाली सुविधा भी वरिष्ठ अधिकारियों के से जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर कंबल बांटने के लिए 17 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। साथ ही 1,70,00,000 रुपए अलाव के लिए दिए गए हैं। कंबल के लिए 5,00,000, अलाव के लिए 50,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से हर तहसील को दिए गए हैं। यानी कि 5,00,000 के कंबल बटेंगे, जबकि 50,000 का अलाव लोगों को मिलेगा। तो ये हर तहसील के लिए व्यवस्था है, इंतजाम है, क्योंकि अक्सर होता यही है कि ठंड के मौसम में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं है, यूं ही फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए ये कड़े निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। ऐसे में लोग ढूंढने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अगर हम राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाकों की बात करें तो कहीं भी आपको ना ही अलाव की व्यवस्था नजर आएगी और ना ही रैन बसेरे बनाए गए हैं। लोग जो खुद का जो संसाधन है उसी के जरिए, उसी के सहारे ही ठंड से निपटने के लिए, ठंड से बचने को मजबूर हैं। ऐसे में जो सरकारी दावे हैं वो पूरी तरह से राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उन दावों के पोल खुल रही है, खोखले साबित हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अगर ठंड से मौत होती है तो अधिकारियों पर बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में लोगों से बात करते हैं, क्या राजधानी लखनऊ की सड़कों पर किस तरह की व्यवस्था है, आप बताइए कि यहाँ पे अलाव भी नजर नहीं आ रहा है और न रैन बसेरे है, कितनी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? बहुत 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 दिक्कतें होती हैं। कोई रैन बसेरा नहीं है, ना कोई अलाव का साधन है, और हम लोग ऐसे ही रात गुजारते हैं, क्या करें। गवर्नमेंट कोई व्यवस्था ही नहीं किए हुए है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ठंड से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकारी मशीनरी के पेच खोलने कस रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर कोई भी मौतें होती हैं तो जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन राजधानी लखनऊ की सच्चाई और हकीकत कुछ और है। फिलहाल ठंड का सितम जारी है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मितेश श्रीवास्तव, लखनऊ समाचार प्लस।